हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 4, जिसमें कि आपका टॉपिक रहेगा किसी रेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन आपका टॉपिक रहेगा कि किसी दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच आप कैसे नंबर्स रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन का मतलब आप लोग को बताए थे कि एक ऐसा लाइन जिस पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें भी देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका आएगा नंबर ग्रेटर देन 1। क्या इसको छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए सिंपली। देखिए, जैसे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 5/3/4 एंड -3/4 ऑन रियल लाइन। देखिए, ये आपके पास दो रेशनल नंबर है 3/4 एंड -3/4। अगर आपको इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो देख लीजिए आप, 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी रेशियो होगा 1 से छोटा होगा। क्योंकि देखिए, 1 कब होता है, जब ऊपर और नीचे सेम होगा। ठीक है, तब 1 होता है। जब ऊपर कम और नीचे ज़्यादा तो ऑब्वियसली रेशियो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, फिर अगर ऊपर ज़्यादा और नीचे कम तो वहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए तो 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो हमेशा 1 से कम होगा बट 0 से बड़ा होगा, मतलब 0.75 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 0.75, या अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर लीजिए 3 में और देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.75 आ गया। तो 0.75 का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो नंबर आपका होगा, ये नंबर क्या होगा, 0 एंड 1 के बीच होगा। तो आप इसको क्या करिए, एक नंबर लाइन लीजिए, ये आपका हो गया 0 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो ये जो आपका 3/4 है, तो 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75 एंड 0.75 आपका क्या होगा, 0 एंड 1 के बीच ही होगा। तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो 3/4 का इधर ही होगा, इसके बीच में होगा, और -3/4 का इसके बीच होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, आप 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जो आपका नीचे पार्ट होगा 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया, 1, 2, 3। अब देखिए, ये पार्ट 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये चारों का चारों इक्वल पार्ट्स है। अब बट आपको रिप्रेजेंट करना है 3/4, तो देखिए ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 1/4, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 2/4, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 3/4। मतलब यही पार्ट आपका क्या होगा, 3/4 होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ भी आप क्या करिए, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1, 2, 3 एंड 4, 4 इक्वल पार्ट में हो गया। फिर देखिए तो ये पार्ट आपका क्या होगा, ये जो पॉइंट है क्या होगा, -1/4, ये आपका क्या हो जाएगा, -2/4, ये आपका क्या हो जाएगा, -3/4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट इस रियल लाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि रेशियो जब 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा। रिप्रेजेंट फाइव बाई थ्री एंड -5/3 ऑन रियल लाइन। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना 5/3 और -5/3। तो 5/3 देखे तो आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5/3 का जो वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा होगा बट 2 से छोटा होगा। तो आप क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए,
कितना हो गया 1.6 हो गया। 1.6 का मतलब कितना होता है आपका कि 1 से बड़ा बट 2 से छोटा, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा आपका इस प्लस वाले का तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, और इसका माइनस 1 और 2 के बीच होगा। तो देखिए यहाँ भी ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, और इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया। चलिए अब देखिए तो 5/3 है, तो 5/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। देखिए 1.6 है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो नीचे वाला पार्ट कितना है आपका, 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए पहले 5/3 है तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए तो 5/3 को आप देखिए तो कैसे लिख सकते हो, 5/3 को ऐसे लिख सकते हो 1 होल 2/3, ऐसा लिखा जा सकता है 1 होल 2/3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/3। तो यहाँ देखिए तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इन्हीं दोनों नंबर के बीच होगा, तो 1 में कितना 2/3 का एडिंग है, नीचे कितना आपका पार्ट है, नीचे देख लीजिए 3 है, तो क्या करिए इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट लीजिए, देख लीजिए ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट्स, तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए तो आपका क्या है कि 5/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल 2/3, तो इसका मतलब ये होता है 1 प्लस 2/3, मतलब 1 भी है और 1 में कितने एडिशन है, 2/3 का एडिशन है। तो देखिए ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा 1 होल 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा 1 होल 2/3, तो यही आपका पार्ट हो जाएगा, इसी को आप लिख सकते हो 1 प्लस 2/3, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 5/3, ठीक है। देखिए ये पार्ट आपका क्या होगा 1 प्लस 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3, तब ना ये पार्ट अगर इस पार्ट को अगर आप लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3/3, और 3/3 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी आप वही चीज़ करिए, आपका देखिए तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका हो जाएगा -1 होल 2/3, फिर आपका ये हो जाएगा, ये पार्ट आपका हो जाएगा -1 होल, और इसको आप लिख सकते हो ऐसे करके, ये सेकंड है, इसको आप लिख दीजिए माइनस, ये नेगेटिव का इधर आ जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मतलब अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, कैसे लिखेगा आप लोग, -1 है ना, -1 से छोटा -2/3, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके आपका -5/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी रेशनल नंबर को या तो वो 1 से बड़ा हो या तो वो 1 से छोटा हो, हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, किसी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच हम लोग कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवेन रेशनल नंबर, देखिए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं रेशनल नंबर दो गिवेन रेशनल नंबर्स के बीच। आपका दो रेशनल जो नंबर है वो आपका ए एंड बी है, जहाँ पे बी क्या आपका बड़ा होगा किससे, ए से। तो जब अगर एक का बात होगा, वन रेशनल नंबर, तो उस केस में क्या करेगा आप, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, बाई टू कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर निकल गया। फिर जैसे एन रेशनल नंबर होगा, एन की जगह पे 5, 10, 15, 20, ठीक है, 13, 15, 18, 19 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या करेगा, एट फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी कैलकुलेट करिए, डी क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस ए बाई एन प्लस
वन, ठीक है। जब डी अगर कैलकुलेट हो गया तो आपका एडिशनल नंबर्स कैसे आएगा, एडिशनल नंबर्स आर, देखिए आ जाएगा क्या चीज़, एक्स प्लस डी फर्स्ट एडिशनल नंबर, सेकेंड आपका आ जाएगा एक्स प्लस टू डी, फिर आ जाएगा एक्स प्लस थ्री डी, और इस तरह करके बढ़ते जाएगा। अगर n निकालना है तो x प्लस एन डी आ जाएगा, ये भी हो गया। एक और तरीका देख लीजिए, अदर मेथड, देख लीजिए अदर मेथड में देख लीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आप निकालते हो रेशनल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा आपका ए के प्लस बी बाई क्या हो जाएगा के प्लस वन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिएगा, एन इक्वल टू आपका हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। एन कुछ भी हो सकता है, कहा जाएगा आपको पाँच निकालने के लिए, कहा जाएगा आठ, कहा जाएगा पंद्रह, है ना, कहा जाएगा बीस, कहा जाएगा आपको 23, तो जो भी होगा तो वहाँ पुट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए तो अदर मेथड जो है उसमें रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या है, ए के प्लस बी बाई के प्लस वन, वेर यहाँ पे के यहाँ भी हो जाएगा आपका वन टू थ्री फोर, इस तरह करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा यही एक आपका एक्चुअली में एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप किसी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर को निकाल सकते हो, और कभी भी आप लोग आंसर नहीं मैच करवाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स कैन बी फाइंड आउट बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो कभी भी आंसर अगर आपका मैच नहीं भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप स्टेप फॉलो करिएगा, है ना, आप स्टेप फॉलो करिएगा, आप जो आपको जो बताया गया उन चीज़ों को फॉलो करिएगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी आंसर मैच करवाइएगा नहीं, ठीक है, या आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस, पहले नोट देख लीजिए। देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। दो रेशनल नंबर्स के बीच क्या होगा, आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन देखिए एक रेशनल नंबर निकालना है तो बहुत आसान है, आप क्या करिएगा सिंपली दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 11 बाई टू, ये हो गया। इसके लिए देखिए तो क्या हो जाएगा आपका c प्लस डी बाई टू, एक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए वो निकल जाएगा, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर हो गया। इन दोनों को देखिए यहाँ पे माइनस टू प्लस फाइव कितना हो जाएगा 3 बाई टू, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। यहाँ देख लीजिए 4 प्लस 8 बाई टू मतलब कितना हो जाएगा 12 बाई टू विच मीन्स 6, ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो एक रेशनल नंबर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या करिए सिंपली दोनों को आप ऐड करके बाई टू कर लीजिए तो वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए जैसे फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेशनल नंबर किसी दो रेशनल नंबर के बीच क्या होगा, बहुत सारा निकाला जा सकता है, ठीक है, कभी आप लोग आंसर मैच मत करवाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग दोनों मेथड देखते हैं, पहले तो एक था आप क्या देखिए तो ए यहाँ पे थ्री हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा, क्लियरली यहाँ पे क्या है बी क्या है, बी जो है आपका वो ए से बड़ा है ना, बताए थे आपको कि बी आपका ए से बड़ा होना चाहिए। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं डी निकालते हैं, और डी इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला याद होगा बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, ठीक है। बी के प्लेस पे आप क्या पुट करिएगा, आप पुट करिएगा फोर, ए के प्लेस पे आप क्या पुट करिएगा थ्री,
और n प्लस वन, n आपको देखिए तो सिक्स रेशनल नंबर्स हैं, दैट्स वाई वी यूज सिक्स प्लस वन, सिक्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर फाइव होता तो फाइव यूज करते, नाइन होता तो नाइन यूज करते, तो ये कितना हो जाएगा आपका वन अपॉन सेवन हो जाएगा। तो d आपका क्या हो गया, वन अपॉन सेवन हो गया। तो आप रेशनल नंबर, सिक्स रेशनल नंबर है तो फर्स्ट आपका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका a प्लस क्या हो जाएगा आपका डी, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी का मतलब क्या हो जाएगा, थ्री प्लस वन बाई सेवन। सेकेंड अगर रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या लिखेगा, ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी का मतलब क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू को आप वन बाई सेवन से करें क्या हो जाएगा, टू बाई सेवन। अच्छा, थ्री प्लस वन बाई सेवन को आप लिख सकते हैं, थ्री होल वन बाई सेवन। थ्री प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, थ्री होल टू बाई सेवन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, थर्ड को भी निकाल सकते हो। थर्ड को कैसे निकालेगा, ए प्लस क्या हो जाएगा आपका, थ्री डी हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस क्या हो जाएगा, 3 बाई सेवन, क्योंकि 3 को आप d से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका इतना आ जाएगा। और इसको लिख सकते हो आप 3 होल 3 बाई सेवन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 6 निकाल सकते हो। तो 6 हम निकाल देते हैं, 6 क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 6d, मतलब 3 प्लस 6 बाई सेवन। तो मतलब कितना आ जाएगा, 3 होल 6 बाई सेवन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो 6 रेशनल नंबर्स को, ठीक है। और भी देखिए, दूसरा मेथड देखिए जो आपको बताए थे हम। तो देखिए, अगर फर्स्ट रेशनल नंबर निकालेगा, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, बताए थे फॉर्मूला याद है क्या था, ए के प्लस बी बाई के प्लस वन, यही था आपका। तो k के प्लेस पे आप क्या यूज किया, अगर फर्स्ट रेशनल नंबर है तो k का वैल्यू क्या होगा आपका, a होगा, वन होगा, प्लस सॉरी ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका, थ्री। के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका, वन। और प्लस बी के प्लेस पे क्या होगा, फोर बाई वन प्लस वन, मतलब कितना हो जाएगा, सेवन बाई टू हो जाएगा। फर्स्ट रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेवन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद देखिए, तो सेकेंड अगर आपको कैलकुलेट करना है, सेकेंड रेशनल नंबर या ऐसे लिख दीजिए, सेकेंड रेशनल नंबर, तो आपका क्या हो जाएगा, आप क्या करिएगा, k के प्लेस पे 2 पुट करेगा, कुछ नहीं, a और b वही रहेगा, बस k के प्लेस पे 2 पुट कर लीजिएगा। तो a के प्लेस पे क्या होगा आपका, 3, k के प्लेस पे 2, प्लस क्या हो जाएगा, 4 बाई 2 प्लस 1, विच मीन्स कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, और 10 बाई 3, ठीक है। तो इस तरह से कर, इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, 6 रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, 6 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू 6 प्लस, हो सके थोड़ा नीचे नहीं दिख सकता है, कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4 22 बाई 7, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। एक के लिए क्या करेगा, दोनों को ऐड कर लेगा सिंपल बाई 2, फिर अगर आपको 5 6 7 जो भी रेशनल नंबर निकालना होगा तो पहले आप d निकाल लीजिएगा, b माइनस ए बाइन प्लस 1, फर्स्ट है तो a प्लस डी, सेकेंड है तो a प्लस 2d, थर्ड है तो a प्लस 3d, ठीक है। और आप नहीं तो क्या करेगा, अगर फिर जो दूसरा मैथड बताए थे, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना है तो a एंड b कुछ नहीं, बस वही रहेगा, बस फर्स्ट के लिए k का वैल्यू 1, फिर सेकेंड के लिए k का वैल्यू 2, थर्ड के लिए k का वैल्यू 3, फोर्थ के लिए k का वैल्यू 4, फिफ्थ के लिए k का वैल्यू 5, सिक्स के लिए k का वैल्यू 6, और फिर वहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।